गेस्ट आ जाए आपने, ये देखो फ्लेम ऑन हो गए, फ्लेम ऑन हो गए। अब 5 सेकंड पकड़ना है ताकि पायलट गर्म हो जाए। बिल्कुल जापानी जिस तरह सिस्टम है सेम इसी तरह। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्लेम है, सब कुछ इसका नजर आ रहा है, खूबसूरत भी नजर आता है, हीट भी बहुत इसकी ज्यादा है, आप इसको कम तेज भी कर सकते हैं। इसमें गैस आ जाए चला जाए खुद बहुत ऑफ होता है, ये सेफ्टी 100% इसमें सिक्योर सकते हैं। देखो इस दूसरे में आप स्प्रिंग देख सकते हो, इसमें भी आता है, अमेजोन पर आप सर्च भी कर सकते हो, यही मौजूद है। 5000 पीस बनाते हैं वो, 1000-2000 पीस और एक्स्ट्रा बना देते हैं, वो रिपेयर अगर ये खराब हो जाए तो वो उसको रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो पाकिस्तानी जाकर वही 1000 पीस या 500 पीस उठाते हैं। 1500 वाट ऐसे, ये 220 होते हैं, 1500 वाट 50 मिल। ट्रैक्शन हीटर है बिल्कुल इसी कंपनी का है, इसकी जो राड है वो ईरान 2 साल वारंटी देता है। एक राड इधर है, दूसरा राड ऊपर है, तीसरा राड इस पर कुछ पका भी सकते हो। सही है, बॉडी लिहाज से देखो तो इस पर लोग तो कड़े होते हैं, लेकिन मैं तो कड़ा नहीं हो सकता, सही है, लेकिन बॉडी लिहाज से बहुत जबरदस्त है, कोई इशू नहीं। तीनों लगाओ तो 1200 वाट और एक एक लगाओ तो 400 वाट। इसकी हीट का हीट बहुत जबरदस्त है, इसमें 3 राड है, इसमें ऊपर में राड नहीं है, सही है। ये प्लास्टिक बॉडी का, ये देखो सिरामिक जो प्लास्टिक बॉडी है, और ये जो है मेटल का है। अच्छा, यहाँ पे भी प्लास्टिक है, यहाँ सब प्लास्टिक है। 30 सेंटीग्रेड से अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये खुद बहुत ऑफ होता है। अच्छा, इसमें ODS सिस्टम है, ऑक्सीजन डिप्लेशन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कंप्यूटर में भी देख लो, मेरे बैक साइड में भी देख सकते हैं, आपको हीटर नज़र आ रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। आज इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त और नई वैरायटी की और नई क्वालिटी की आपको हीटर दिखाएंगे। आज हम मौजूद हैं AJ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो यहाँ पे आपको हीटर दिखाते हैं जिसके अंदर टोटल ईरानी है। ईरानी के अंदर 2-3 किस्म के आपको हम गैस वाले भी दिखाएंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। मजीद हम अदनान भाई से मिलेंगे और उनके दोबारा लोकेशन भी पूछेंगे, उनको व्हाट्सअप का नंबर भी लेते हैं। कीमतें बहुत ज़बरदस्त होने जा रही हैं क्योंकि आज की वीडियो में होल सेल रेट होंगे, टोटल उन्होंने सेल लगा दिए। तो मजीद मिलते हैं हम अदनान भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है आपकी, जो पिछली वीडियो भी थी। तो आज अपना दोबारा एक दफ़ा एड्रेस भी बताएं, अपना तारफ़ भी करवा दें, अपना व्हाट्सअप का नंबर भी बताएं, और ये भी बताइएगा कि आज आप कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगे। आज हमारे साथ सबसे पहले ईरानी प्रोडक्ट हमारे साथ बहुत होती है, जिस तरह आप देख रहे हैं नया कंटेनर आया है। जी तकरीबन 700-800 पीसेस पड़े हुए हीटर, सब पर इंशाल्लाह सेल लगाएंगे। तो सबसे पहले AJ इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से सब लोगों को सलाम। वालेकुम सलाम सर। दूसरी बात, हमारा जो एड्रेस है वो पिशावर में कारखानों मार्केट, कारखानों में पिरानो मार्केट, न्यू बी ब्लॉक, दुकान नंबर 3031, AJ इलेक्ट्रॉनिक्स और अब्दुल जवाहर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया सर। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0333-95-62-527। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आज आप कौन सा दिखाने वाले? सबसे पहले तो हमारे साथ जो बल्क क्वांटिटी पड़ा है आशकन नाम है, टॉक्सन, इसको टॉक्सन भी कहते हैं, सही है। इसमें इसके फ्रिज भी हमारे साथ अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वो भी मिल सकता है। साइलोन कंपनी है, ईरानी है ओरिजिनल, ये तो हमें जाहिर बात है ईरानी है। फ्लेम इसमें दूसरी बात है, फ्लेम करता है, मैं आपको इंशाल्लाह डेमो भी दिखाऊंगा। अभी हमने ये सारा, इसमें एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है, ठीक हो गया, और कोई नहीं है। इस पर इंशाल्लाह सेल भी लगाएंगे। सबसे पहले इसमें गैस आ जाए चला जाए खुद बहुत ऑफ होता है, ये सेफ्टी 100% इसमें सिक्योर है, सही है। जो पानी में आता है गैस आ जाए चला जाए खुद बहुत ऑफ होता है। इसका दूसरी बात, अभी तो सिलेंडर पर चलाएगी, इसकी कंजप्शन बहुत कम है, ठीक है, फुल ब्लू फ्लेम देता है। इसको मैं चलाऊंगा, फिर इससे जो पाइप है वो भी निकाल कर आपको दिखाऊंगा कि किस कितने कम गैस पर ये चलता है, ठीक हो गया। और फ्लेम बहुत खूबसूरत नजर आता है, 4500 BTU हीट है इसका, 4500 अगर दूसरे के मुकाबले में कर दिया जाए तो 4500 बहुत ही ज्यादा है। जी ये हमने अपने गेस्ट रूम में ज्यादातर लोग लगाते हैं क्योंकि डेकोरेशन के लिहाज से भी खूबसूरत नजर आता है और हीट भी इसका ज्यादा है। और दूसरा पायदार भी है इसका, हम ईरान जो है खुद 10 साल वारंटी देता है, चूंकि हम इधर इम्पोर्ट करते हैं, हम आपको 1 साल की वारंटी इसकी देते हैं। ठीक तो सर, ये सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका ये कि ये इसका बटन है, पायलट है, इसमें ना सेल की जरूरत होती है ना माचिस की, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक तो ये इसमें अपना स्टोन है वो इसी के अंदर लगा है, वो लाइफ टाइम काम करता है। दूसरा इसका फायर प्रूफ शीशा है, शीशा जो है फायर प्रूफ है, पटने मटने का कोई, लोग कहते हैं ज्यादातर मुझे मैसेज करते हैं कि ये पटता है, पटने का कोई खतरा नहीं है इसके साथ, मतलब ये क्रैक नहीं होगा, फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये जो है ना फायर प्रूफ शीशा है। एग्जैक्टली, अब इसको हम ऑन करते हैं। सिलेंडर है, मैंने 1 टर्न जिस किया, सही है, सिलेंडर का 1 टर्न ऑन किया, ये मैंने ऑफ कर दिया पूरा, ये 1 टर्न मैंने कर दिया, ज्यादा भी नहीं छोड़ा। अभी हम इस पर ऑन करते हैं और इसका ये बॉडी भी गर्म नहीं होगा, सही है, बॉडी हो गर्म गया। नहीं होगा, सिर्फ इधर फ्लेम लगा ना, ये शीशा नीचे एरिया गर्म होगा। तो आपने इधर पकड़ना है थोड़ी 5-6 सेकंड ताकि ये गैस आ जाए।
गैस आ जाए आपने, ये देखो फ्लेम ऑन हो गए, फ्लेम ऑन हो गए। 5 सेकंड पकड़ना है ताकि पायलट गर्म हो जाए, बिल्कुल जापानी जिस तरह सिस्टम है सेम इसी तरह। फिर आपने छोड़ना है, आपने फिर ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्लेम है, सब कुछ इसका नज़र आ रहा है, खूबसूरत भी नज़र आता है, हीट भी बहुत इसकी ज़्यादा है, आप इसको कम तेज भी कर सकते हैं। मतलब ये है इस वक्त नेचुरल गैस के लिए बना हुआ, लेकिन हम सिलेंडर पे यूज़ करें। बिल्कुल, ये जो नीचे आप देख सकते हो, ये नीचे फुल ब्लू फ्लेम दे रहा है, गर्म में फुल ब्लू फ्लेम इसी तरह होगा। ये जो ऊपर रेडनेस शो करता है, ये इसी वजह से कि सिलेंडर पर है। आपको सर जी पता भी होगा कि सिलेंडर वाला प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू घर गैस, तो इसलिए ये वो ये ना धुआं करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा 100%। जिसकी भी ब्लू फ्लेम होती है वो 100% गैस को जलाता है, जो रेड होती है वो फिर 100% नहीं जलाता। ये भी इसका प्रेशर ज्यादा है, और ये जो हीटर है घर गैस के लिए बनाया है, तो इससे थोड़ा गैस जो है वो वैसे ही निकलता है, ठीक हो। तो इसी वजह से ये रेड फ्लेम दे रहा है, अगर घर पर चलाओ तो उसका प्रेशर स्लो होता है, तो ये आपको फुल ब्लू फ्लेम देगा। ये हम वारंटी गारंटीड देते हैं कि ब्लू फ्लेम ही देगा, क्योंकि हमें पता है, इसलिए तो वारंटी नहीं देते। और दूसरी बात जो सबसे जबरदस्त है इसका, तो मैंने सब कुछ बताया, इसको आप दीवार पर भी लगा सकते हो। अच्छा, इसको लटका भी सकते हैं, पीस के लटका भी सकते हो, और इसके साथ अपने पैर भी आता है, इस तरह कोई नहीं है। इसलिए आप इसको स्लो तेज भी कर सकते हो। ये देखो ऑफ करने का तरीका, बस जल्द ऑफ कर दिया, ठीक हो गया, और गैस आ जाए चला जाए खुद ब खुद ऑफ होता है। इसका भी एक मैं डेमो दिखाता हूँ आपको, सही है, ठीक हो गया। देखो मैंने ऑन कर दिया, अभी मैंने छोड़ा है, ये ऑन हो गया, सही है। अभी मैं गैस बंद करता हूँ, सही है, गैस बंद करता हूँ, ये देखो गैस मैंने बंद कर दिया, वो ऑफ हो गया, जी जी लगा हुआ है। अभी मैं दोबारा छोड़ता हूँ, सही है, ये जी आपको चेक करवाएं। अभी वो टक आपको नजर वो नहीं आया, अभी मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ये टक बहुत जल्दी करता है, यही सेफ्टी है, सही है, ठीक हो गया। ये देखो अगर गैस निकलता हो तो अभी जाहिर बात है कुछ धमाका ही कर लेता। जी जी, मतलब ये है कि अगर सेफ्टी रास्ता बंद हो जाए, गैस वगैरह हो जाए, तो ये रिलीज नहीं होगा, इसको हम पुश करेंगे तो गैस आएगी, पुश के बिना यहाँ पे काम नहीं। बिल्कुल, अभी मैं दोबारा इसके वो करता हूँ, सही है। ये अभी मैंने गैस को इससे ऑफ करते हैं, चलो पेप आ जाए या ये ऑफ हो जाए, से भी तरीके। अभी आपके साथ अगर लाइटर हो तो वो दे सकते हो। जी मैं अभी कोशिश करता हूँ, लाइटर दे दो आप इसको। अभी ये लाइटर है मेरे पास, सही है, इससे फिर हम पता लगवाएंगे कि ये ऑन है या नहीं है। इसको हम ऑफ करते जी, फिर ऑन करते, देखो जी जी ऑन हो चुका, फिर मैंने ऑन कर दिया, इससे गैस 5 सेकंड के निकलेगा। अभी ये टक की आवाज करेगा, हाँ जी टक की आवाज की, यही इसकी सेफ्टी है। अभी गैस चलना जो है वो बंद हो गया, ये देखो जी यहाँ से गैस खारिज नहीं हो रही, इसका शोर थोड़ा सा बढ़ा दें, हाँ गैस बिल्कुल खारिज नहीं होगी, सही है। गैस तो फैलता है, अगर इतना होता तो अभी कुछ तो वो करता ना, इसका शोला बढ़ता है मेरा ख्याल। ये जी शोला बढ़ चुका है, अभी इसको ऑन कर, नहीं नहीं करता, देखो बटन भी ऑन है, इस तरह नहीं। अच्छा, है थोड़ा सा बटन छोड़िएगा, थोड़ा सा बटन अभी छोड़ते, सही है, ये बिल्कुल सिक्योर है, इससे गैस निकलता ही नहीं है, ठीक हो, सही है, गैस निकलता ही नहीं है। अगर मैं इधर पर लाऊं फिर गैस निकलेगा, सही है। ये पायलट ऑन नहीं, जब तक ये पायलट गर्म नहीं हो जाता ये ऑन ही नहीं होता, ये इसकी मेन खूबी, सही है। तो इसके अलावा हमारे साथ बल्क क्वांटिटी में पड़ा है 500-600 पीस है, जिसको भी चाहिए, जो ज़्यादातर होलसेल पर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए वो भी मिल सकता है। होलसेल बल्क क्वांटिटी में 1000 पीस चाहिए, 2000 पीस चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इधर कंटेनर आता है हमारा खुद ही। ये मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ जी, जी अमीन मार्केट है, इनका वेयर हाउस यहाँ पर बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर जितने भी लोगों के वेयर हाउस यहाँ पर बने होते हैं, तो इन्होंने ये गोदाम वगैरह बनाया हुआ है, बैक साइड पर भी इनके काफ़ी लंबा है, तो ये सारा सामान वगैरह बल्क में लगा उनके पास, यहाँ पे कूलर वगैरह भी पड़े हैं, लेकिन कूलर का तो सीज़न जा चुका है, तो ये है अभी। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप कौन सा मॉडल और दिखाएंगे? इसके बाद जो है ईरानी, अच्छा इसकी कीमत पहले बताएं। बिल्कुल, कीमत के लिहाज से कीमत तो लोग इसका बहुत ज़्यादा बताते हैं, फ्लेम वाले हीटर अफसाल जो है वो भी एक ज़बरदस्त हीटर है, इसका हीट जो है 4500 BTU हीट है, और कैमर होल सेल रेट है इससे कम बिल्कुल नहीं होगा, 11500 में जितना भी चाहिए आपको ले सकते हैं, सही है। एक पीस भी इतने में, एक पीस पर भी इतना हो, और बल्क क्वांटिटी में इंशाल्लाह हम उसको रियायत देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हमने सेल लगा दिया, ये सेल
बहुत कम मुद्दत के लिए है। जिस तरह गीज़र का अप एंड डाउन होता है, इसका भी अप एंड डाउन होता है, क्योंकि डिमांड पर है, डिमांड एंड सप्लाई, यही तो मार्केटिंग है। हम भी बिजनेस करते हैं, जाहिर बात है। ठीक हो गया। तो ये इसका 11,500 रुपये डिलीवरी चार्ज, जिसको भी चाहिए हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी इस्लामाबाद लाहौर तक करते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी वाले क्योंकि हमारे एडवांस पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी का हम ऑर्डर डिले करते हैं। तो आप कोशिश करें, हम पर ट्रस्ट करें, इस तरह कोई नहीं है। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो बिल्कुल आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाए। जी अदनान भाई, तो इसके बाद हमारे साथ ट्रैक्शन जो हीटर है वो आता है, सही है, ईरान का बेस्ट क्वालिटी है इसका। ईरान जो है शेप पर कोई डिपेंड नहीं करता, वो चाइना वाले खूबसूरत चीज़ बनाते लेकिन क्वालिटी लिहाज से इतना पायदार नहीं होते जितना ईरानी होते। इसका राड का इशू बिल्कुल नहीं है, अभी मैं आपको चेक करा था, लेकिन इस वेयर हाउस में हमने सेटिंग नहीं की है जो बिजली का है। जी जी, ये हीटर का काम है, तो गैस वाला ये आप देख सकते हैं, ट्रैक्शन हीटर है, बिल्कुल इसी कंपनी का है। इसकी जो राड है वो ईरान 2 साल वारंटी देता है, लेकिन दाखिल ईरान देता है, हम इसकी एक सीज़न या एक महीना 2 महीने वारंटी ही दे सकते हैं। कम से कम एक सीज़न तो कर दें भाई, एक सीज़न कर दे सही है। मुझे पता है इसमें कोई वो गलती नहीं आती, क्योंकि पिछले साल हमने इसका रिव्यू देखा है, बैग देखा है। ठीक, तो इसमें आप 3 रॉड है, इसमें रॉड की बिल्कुल फिक्र ना करें, इसका बिल्कुल नहीं जलता। अभी तक हमारे साथ एक कंप्लेन भी नहीं आया, इस तरह कंप्लेन आया है कि हमसे टूट गया है, हमसे भी नीचे और टूट हो जाता है ये राड, लेकिन इस तरह कंप्लेन नहीं है कि जल गए। ये देख सकते हैं, एक राड इधर है, दूसरा राड ऊपर है, तीसरा राड इस पर कुछ पका भी सकते हो, सही है। बाड़ी लिहाज से देखो तो इस पर लोग तो कड़े होते हैं, लेकिन मैं तो कड़ा नहीं हो सकता, सही है, लेकिन बाड़ी लिहाज से बहुत जबरदस्त है, कोई इशू नहीं है। ये 1200 वाट है, हर राड इसका 400 वाट है, तीनों लगाओ तो 1200 वाट और एक एक लगाओ तो 400 वाट। इसकी हीट बहुत जबरदस्त है, जो आम 6 लीटर और 8 हो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो पाकिस्तानी होता है, दूसरा फिर चाइना का होता है, चाइना वाले भी आजकल अच्छी क्वालिटी आ रहा है, लेकिन ट्रैक्शन से अच्छी क्वालिटी नहीं। ये देखो, ये इसका इन्फ्रारेड सिस्टम है, ये अगर से किसी से गिर भी जाए तो खुद ब खुद ऑफ होता है, ये देखो अगर गिर जाए तो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, मतलब ये इशू नहीं, खुदा ना खास्ता बच्चों से गिर जाता है तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये भी बल्क क्वांटिटी में मौजूद है, जिसको भी चाहिए वो हमारे साथ राब्ता कर सकता है। अच्छा, इसकी कीमत तो बताएं, इसकी कीमत हम अपनी कीमत मार्केट को छोड़ो, हम अपने व्यूवर्स के लिए ये 4800 में लगाएंगे, 4800 में, ये यकीन करो कि 4300-4200 में अब नया स्टॉक मिल रहा है, अच्छा ईरान से मिल रहा है, और उस पर 300-400 किराया भी, फिर हम भी मुनाफा करते हैं, फिर गोदाम भी आपने देख लिया, जी, बिल्कुल, भी जी, बिल्कुल होता है खर्चा हमारा, लेकिन ये पिछले माल का जो वो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो हमने पिछले सीजन में आप लोगों ने ये इम्पोर्ट किया था, ये वो आप उसका रेट वही उसका रेट बताओ, अभी रेट जाहिर बात है बढ़ चुका है, सही हो गया, हर चीज का बढ़ता है, इसका भी बढ़ गया, हमारे नए जो होते वो उसके हो सकता है 6000 तक भी जाए, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है और ये बहुत कम आते हैं, जिस तरह जापानी रिनाई गीजर का डिमांड बहुत ज्यादा है और आते कम है, तो इसलिए फिर रेट का ऊपर नीचे हो जाता है। ये बजाना आप देख सकते हो, जिस तरह ईरानी कॉटन इसी तरह बनाते हैं, सही है, ये इसका कॉटन है, एक और भी कॉटन आता है, ये देखो ये भी इसका कॉटन है, लेकिन ये सेम चीज़ है, दोनों में सेम पड़ा है, ये भी रख दो, ये भी रख दें, इसके ऊपर मैं थोड़ा चेक करवा देता हूँ, ये देखो सेम चीज़ है, इसमें ये कलर इसने दिए हुए है, आपको ये रेड कलर मिल जाएगा, ये वाइट कलर मिल जाएगा, इसके अलावा ये 2 कलर नहीं मिलेंगे, नहीं ये नहीं मिलता है, क्योंकि ये लास्ट में आता है, बस हमें भी नहीं मिलता, हम भी खुश हो जाते हैं कि 4 कलर है, लेकिन फिर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो चाहिए थे, किसी को ये कलर चाहिए, किसी को ये कलर चाहिए, तो उसमें पसंद ही नहीं आता, तो 2 कलर आपको मिल सकते हैं, एक ये, एक ये, ये बल्क क्वांटिटी में है, ठीक हो, बल्क क्वांटिटी में दूसरे भी होंगे, 1-2 होंगे, लेकिन हर तो हम चेक नहीं करते, जब सेल होता है तभी चेक करेंगे, ठीक हो, सही है, तो ये आपको मिल जाएगा। तीसरी जो हमारे साथ आती है वो हीटर है चाइना के, ओरिजिनल चाइना के है, बनते भी चाइना है और फिट भी चाइना में होते हैं, ठीक हो गया, वो जी। हमारे साथ इस तरह कॉटन में आता है, जिस ये देखो ये जी आपके सामने आज वेयर हाउस पे जितना भी इनका सामान वगैरह वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं अभी, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको खोल दिया, तो ये बल्क क्वांटिटी में ये भी अवेलेबल है, ओरिजिनल चाइना का है। एक जो आता है जो स्माइल माइल लिखा होता है, उसका नाम स्माइल होता है या दूसरा नाम होता है, जी वो जी। सस्ता होता है इसके मुकाबले, वो मेरे साथ पड़े दुकान पर, लेकिन ये जो है ओरिजिनल चाइना का है, तो इसका रेट थोड़ा आपको महंगा लगेगा,
लेकिन चीज जो है ओरिजिनल है, हमें पता चलता है। अगर दूसरे के साथ कंपेयर करें तो ये इसका काटन से भी पता चलता है कि कितनी जबरदस्त क्वालिटी की बनाए। ये जी चेक करेंगे। अच्छा ये इलेक्ट्रिक है, ब्लोअर वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक ब्लोअर वाले, लेकिन ये दूसरे जो आम हीटर है उसके मुकाबले बहुत परफेक्ट है। ये इसकी बुक है, इसमें सब कुछ डिटेल इसने दिया हुआ है ओरिजिनल। ये पीएल के लिए, ये लाट में इस तरह आया है, जो ज़्यादा लोग कहते हैं कि लाट है, ये लाट है चाइना का लाट। ये ज़्यादा अमेजोन पर लोग पीएल के लिए प्राइवेट लेबल के लिए अपने लिए माल ले जाते हैं, सही है जी जी। तो माल ले जाते हैं पीएल के लिए, वो ये 5,000-6,000 पीस बनाता है। अमेजोन पर आप सर्च भी कर सकते हो, यही मौजूद है। 5,000 पीस बनाते हैं वो, 1,000-2,000 पीस और एक्स्ट्रा बना देते हैं। वो रिपेयर, अगर ये ख़राब हो जाए तो वो उसको रिप्लेस करते, एक्सचेंज करते हैं। तो पाकिस्तानी जाकर वही 1,000 पीस या 500 पीस उठाते, तो इसलिए इसको लाट का माल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लिमिटेड स्टॉक होता है, ये लिमिटेड स्टॉक होता है, तो इसलिए लाट का माल ली आता है, लेकिन इतना नहीं आता है जिस तरह हमारा। इसके ऑप्शन वगैरह चीजें वगैरह हम थोड़ा सा समझा दें इसके बारे में थोड़ा मज़ीद। इसमें रॉड ब्लोर करता है, पहले रॉड लगा हुआ है, इसके नीचे जो है फैन लगा हुआ है, ये हवा को फेंकता है। एक तो रॉड वाला होता है वो तो सिर्फ हवा हीट देता है, ये हीट को फेंकता है, तो इसलिए उससे इसका खर्चा बहुत कम है, क्योंकि जो कमरा है वो जल्दी गर्म हो जाता है, हीट फेंकता है, तो इसलिए इसका खर्चा बहुत कम है। इसका सब कुछ डिटेल इधर लिखा हुआ है, आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। देखो इस दूसरे में आप स्प्रिंग देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, आपने तो जाहिर बात है वीडियो किया होगा, आपको पता चल जाएगा, सही है। अच्छा ये फैन इसकी बैक साइड पे, वहाँ से हवा करेगा और ये आगे फेंकेगा, ये आगे फेंकेगा। और कुछ होते हैं जिनके फैन फ्रंट पे होता है वो बैक साइड पे होते हैं, तो फैन जल जाता है और वो ये एग्जैक्टली वही होता है। ये देखो 1500 वाट है, ये 220 होते हैं, 1500 वाट 50 बिल्कुल पाकिस्तानी बिजली के मुताबिक, 15 एम्पीयर है मेरे ख्याल में, 1500 वाट है, 15 एम्पीयर है, बिल्कुल सब कुछ इधर डिटेल लिखा हुआ है। ये जी चेक कर सकते हैं इसके, ये नीचे जो फैन है यहाँ से ब्लोअर टाइप फैन है इसका, और ये वाले फैन जो होते हैं ना ये ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो है रशियन और ये चाइनीज़ में, इसी तरह सेम फैन लगा हुआ, नीचे से हवा लेके आगे थ्रो करते हैं, ये वाली चीज़ ज़बरदस्त होती है। अच्छा इसकी कीमत भी बताए ना, ये व्यूवर्स को 5,000 में मिल जाएगा, 5,000 में बिल्कुल। मैंने जिस तरह पहला बताया कि कीमत के लिहाज थोड़ा सा गुजारा और कर दें भाई, महंगा नहीं, ये महंगा आता है, हमें भी खुद महंगा आता है, लेकिन चीज़ जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल चीज़ इस तरह नहीं है। अगर आपको चाहिए वारंटी इसकी क्या होगी, वारंटी हम एक सीजन की वारंटी देते हैं, एक सीजन की वारंटी, ये हम अपने आप से देते हैं, इस तरह नहीं है लोगों के लिए। तो ज्यादातर लोग कहते हैं 10 साल वारंटी, इतना फिर वो क्लेम नहीं करते, ठीक ये हम क्लेम करते हैं, इसलिए हम आपको कम वारंटी दे रहे हैं। हम क्लेम नहीं करते, धोखा देते तो फिर जाहिर बात है 20 साल लाइफ टाइम आपको वारंटी दे, लेकिन कोई फायदा नहीं, जो काम करना है वही चीज़ बतानी है, ठीक हो गया जी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नाज़रीन, आपको हमने दिखा दी है, ये इसकी जो बुक वगैरह है, लेकिन हमें चाइनीज़ की समझ नहीं आएगी, जो कुछ इसके अंदर ऑप्शन वगैरह हैं थोड़े से देख सकते हैं, ये सारा कुछ इसी के अंदर बताया उन्होंने, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे साथ जो बल्क क्वांटिटी में पड़ा है वो ये मॉडल है, ये भी बिजली का है, सेम टू सेम जिस तरह टैक्सन हमने दिखाया, सेम टू सेम फंक्शन है, बस ये थोड़ा हमें भी महंगा आता है, 1500 मॉडल है, हम भी महंगा सेल करते हैं, सही है। इसमें 3 राड है, इसमें ऊपर में राड नहीं है, सही है, ये प्लास्टिक बॉडी का है, देखो सिरामिक जो प्लास्टिक बॉडी है, और ये जो है मेटल का है। अच्छा यहाँ पे भी प्लास्टिक है, यहाँ सब प्लास्टिक ही है, लेकिन प्लास्टिक गर्म नहीं होता, इस तरह नहीं है कि ये तो हीट देता है तो गर्म हो जाता है, तो कोई मसला नहीं, सही है। इसमें वही फंक्शन है जो आप इंफ्रारेड वगैरह के, अगर गिर जाएगा तो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। 220 वाट है, 1500 ये 220 वोल्ट है, 1500 वाट देता है, और 50 इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो बिल्कुल पाकिस्तानी जो बी के इसके लिहाज ही है। ये चेक कर सकते हैं जिस तरह कुछ सीपीयू वगैरह नहीं, तो कंप्यूटर वगैरह के फ्रंट पे इसकी शेम ऐसे बनी हुई है, देख सकते हैं यहाँ से मेरे ख्याल में कोई ना कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ ना कोई सिस्टम वगैरह ODS सिस्टम उसमें होता है। ईरानी जो सारे होते हैं, मुझसे एक बार भूल गया कि ODS सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिप्लेशन सिस्टम, आप इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हो, सारा कुछ डिटेल वो देता है। ये तकरीबन 20 या 30 सेंटीग्रेड से अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये खुद बहुत ऑफ होता है। अच्छा इसमें ODS सिस्टम है, ऑक्सीजन डिप्लेशन सिस्टम, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया सब कुछ। अच्छा इसकी कीमत क्या है? ये व्यूवर्स को 6,000 में मिल जाएगी, ये 6,000 में मिलेगी, 6,000 में मिलेगी। और अगर कोई चाहे एक भी जला सकता है, दो जलाना चाहे या तीन जलाना चाहे, वो आप पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल। और अगर इसी लिहाज से चाइना लेना चाहते हो, मीन ज्यादातर व्यूवर्स कहते हैं कि रेट बहुत महंगा है, तो रेट इसलिए महंगा है कि हम अच्छा चीज आपको दिखाते हैं, अगर हम चाइना दिखाए या दूसरी चीज दिखाए तो वो बिल्कुल सस्ता है, वो 1500-1200 इस तरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक हो तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो उस जिसको कम रेट वाले हीटर चाहिए, गीजर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक हो गया।
तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया अदनान भाई, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया, हमें चीज़ें वगैरह दिखाई। मेरी कोशिश होती है कि आपको ना कुछ नए नए एक एक प्रोडक्ट दिखाऊं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाए जाएं ताकि आपको भी किसी चीज़ की समझ आए। तो इसी बात पे हम अपने व्यूवर से भी जाना चाहते हैं, अदनान भाई से भी चाहते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आप बल्क क्वालिटी में पड़े हुए हैं। आज हम इनके वेयर हाउस पर आए हुए हैं, इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो और भी बनाएंगे क्योंकि इनके पास कुछ और प्रोडक्ट भी पड़े हैं, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो बकाया फीडबैक आपने बताना कि कीमतें वगैरह क्या, मेरे हिसाब से तो मुनासिब कीमतें, बकाया अब आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।